प्यारे दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल लाइफ इन विलेज विद असित कानूनगो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले मैं आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट गमले में कैसे लगाएं इसके बारे में बताया था, और पिछले 3 साल से मैं ड्रैगन फ्रूट को गमले में लगाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके प्रतिफल में मेरे ड्रैगन फ्रूट में काफ़ी अच्छा फ्लावर और फ्रूटिंग हुआ है, जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसका साइज गमले में ये साइज आया है, ये 250 ग्राम से अधिक ही है। मैंने एक ड्रैगन फ्रूट का वजन 1 पाव से अधिक है वो गमले में, और यदि इसको हम खेत में लगाएं तो इसका साइज क्या होगा, तो आज हम इसका रसा स्वादन करेंगे और आप लोग भी एंजॉय करिए। मित्रों, मैं इसको कट करके आपको दिखाता हूँ इसका अंदर का हिस्सा कैसे दिखता है। ये देखिए, वाह, ये देखिए कितना बेहतरीन, नज़दीक से दिखाता हूँ। इसको जो है हम आनंद लेंगे, ये लोग इसको ऐसे पहले तो ऐसे काम करके छिलका उतार के ज्यादा अच्छा, इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। कैसे भी छील सकते हो, कैसे भी छील सकते हो। अभी जितना फ्लावर आ रहा है, फोर्थ नंबर फोर्थ वाला फ्लावर है ना, जितना नहीं जितने भी बन रहा है उतना फूल आ रहा है। और ये छोटा है, इसको पहले काम करते हैं ऐसे कर दिया। कट भाई थोड़ा सा हो गया ना, तुम खाएंगे तो कट गया। मेरी सुपुत्री अरे यार पापा, क्या टेस्टी है यार। दोस्तों, बहुत टेस्टी है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत है। डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, और जिसको खून की कमी हो जाती है, ऐसे पेशेंट के लिए ड्रैगन फ्रूट बहुत ही फायदेमंद फल है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको अपने घर में लगाएं। ये आसानी से गमले में उगता है, इसको बहुत ही कम देखरेख की आवश्यकता है,
अभी 8-10 दिन में पानी डाल दो, 2-3 महीना 4 महीने में थोड़ा थोड़ा खाद डाल दो, तो आसानी से ये उगने लगता है और बढ़ने भी लगता है। तो इस तरह का फल गमले में, और कोई फल जैसे सेब है, अनार है, आम है, इस टाइप का फल गमले में नहीं लगा सकते, और लगाते भी हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा गमला चाहिए, 200 लीटर का ड्रम जैसा। और लगाने के बाद उन्होंने बोला था कि घर के घर में फायदेमंद भी है, आसानी से उगता भी है। पहले मैं गमले में सब्जी, भिंडी, टमाटर, भटा, गोभी, ब्रोकली सब उगाता था, लेकिन मैंने देखा उसमें मेहनत बहुत लगता है, डेली पानी डालना पड़ता है, एक दिन पानी नहीं डालोगे पौधा सूख जाता है, रोज उसमें पानी डालना पड़ता है। और फल एक पहली बार, दूसरी बार फल अच्छा आता है, उसके बाद फिर फल धीरे धीरे उसमें कम होने लगता है। जबकि ड्रैगन फ्रूट में ऐसा है कि पहली बार आपको कम फल मिलेगा, दूसरी बार में 3 गुना 4 गुना मिलेगा, और 5 तो तीसरे साल में तो ये फिर फूल जम के खिलता है और फलता है, पूरे अपने जवानी में आ जाता है। तो दोस्तों, घर में अगर किचन गार्डन है, आपके टेरेस में गार्डन है, दो भी गमले आप लगा लेते हैं तो आपको एक परिवार के लिए पर्याप्त है। थोड़ा इसकी डगालियों को लटकने के लिए जगह चाहिए, ऊपर पर लगाएं ताकि वो नीचे से लटक जाए, फिर आप फल देखिए कैसे फलता है। वैसे अगर जिस किसी को चाहिए तो वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोरा पुल के पास रायपुर में, वहाँ से जाकर इसका पौधा ले सकता है, वहाँ नर्सरी में इसका पौधा उपलब्ध है, और वहाँ आपको अच्छा और अच्छा वैरायटी का और अच्छा जो नर्सरी जो जैसे तैयार करना चाहिए, मैं बताया था 3-4 साल का पौधा होना चाहिए, एक दो बार उसमें फल आ गया रहा हो ऐसा पौधे का ब्रांच, वो सब पैमाने पे खरा उतरने वाला पौधा आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं लगता है, जो बड़े दिल वाले होते हैं वही लाइक कर पाते हैं, तो आप सब मुझे बड़े दिल वाले लगते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ करने में मदद करें। धन्यवाद। मैं ये इस सीज़न में ये पहला फ्रूट खा रही हूँ मैं, और ये बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, आपको मार्केट में इतना स्वाद नहीं मिलेगा जितना आप घर पे उगा करके खाएंगे, और घर पे लगे हुए चीज़ ऑर्गेनिक भी होती है, आपके सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए और इस चैनल को देखिए, आपको बहुत सारे और भी अच्छे मटेरियल मिलेगा जो कि आगे आने वाला है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नलिनी कानून बोल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड के मेहनत से हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं खाके, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।